2 सेकंड में ही मेरा माइक बंद कर देते हैं। सरकार नहीं चाहती मणिपुर पर चर्चा हो, राष्ट्रपति से मिलने के बाद बोले खड़गे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राणी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूं ट्रिगर न्यूज पर। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी बीच अब विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने मणिपुर मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस डेलीगेशन में अलग अलग विपक्षी दलों के कुल 21 नेता शामिल थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इसे लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि वो इसे लेकर विचार करेंगी। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति जी से हम मिले और जो घटना मणिपुर में घट रही है उस पर बातचीत हुई। इंडिया के तमाम सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और मणिपुर को लेकर उन्हें जानकारी दी। इस दौरान खड़गे ने फिर दोहराया कि उन्हें सांसद में बोलने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे माइक को बंद कर दिया जाता है, मुझे नहीं पता, मैं जब उठता हूं 2 सेकंड में ही मेरा माइक बंद कर देते हैं। खड़गे ने आगे कहा, चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि जितना महत्व रूलिंग पार्टी को देते हैं उतना ही विपक्ष को भी देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। सरकार नहीं चाहती है कि मणिपुर पर चर्चा हो। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए था। हरियाणा के नूह समेत अलग अलग जगह हुई हिंसा को लेकर भी मल्लिका अर्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री के दफ्तर से 100 किमी भी दूर नहीं है। प्रधानमंत्री तो दिल्ली का ही संज्ञान नहीं लेते हैं। बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर हंगामा जारी है। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर संसद में जवाब दे। ब्यूरो रिपोर्ट ट्रिगर न्यूज़।